यस दोस्तों, हम अभी रणथंभौर में बैठे हुए हैं, राइट। और डीसीडी एंड डीयूसीडीज भारिल भैया के साथ में है, चीफ मेंटर के साथ में। और आप ये देख रहे हैं स्प्रिंग रोल का वो डुबो डुबो के, मतलब कितने बेहतरीन तरीके से। अब ये सारे विनिंग टीम की जबरदस्त लीडरशिप, गुलाब भैया हैं, विवेक जी हैं, एंड हमारे बिल्कुल देख रहे हैं हेयर स्टाइल, मतलब एक हॉलमार्क है भाई। रमा सोलंकी पीछे, प्रमोद जी बैठे हैं इधर, डॉक्टर मकरन सर, यस वेंकटेश जी, राइट, बोलो डॉक्टर आकाश जी, यस डॉक्टर आकाश जी, लक्ष्मण सर, ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यस। और हमारे साथ केके सिंह सर हैं, ऑल द वे फ्रॉम रांची, राइट सर। एंड बर्तन सर केरला, द यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्साइटेड डीयूसीडी विनिंग टीम। सो बर्तन सर, आपका क्या मैसेज है टू द टीम एंड टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो? इट इज लाइव, वी वांट टू एंजॉय सच काइंड ऑफ लाइफ। या लाइफ इज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट वी लर्न थ्रू आउट द लाइफ, राइट। ओह गुड, it is different. The purpose of life to enjoy it. Great. But the samskar we have created makes us to work because we want money. Great. No other creatures on earth want money. They are not working. We yes, want yes. money. Yes, yes. You are working. How long we want money? We want money up to death. So up to death we are working. Great. If there is an opportunity to finish the work for money within 2 to 5 years, then enjoy the life. That's the best thing one can do. So how one person can achieve this freedom within 2 to 5 years? Only through network marketing, to the yes. best of my knowledge. Yeah. Great. Say, great. I can't say that I have all the knowledge in the world. Yeah. But to the best of my knowledge, the network marketing is the one and only thing with which you can finish the work for money, right, within 2 to 5 years. How long you have been into in this industry? I had been 22 years. 22 years, 1998. My god, it's been great journey, right? I was all the time enjoying the business. Great. So, I had been to several other professions, right, careers, all there I was suffering a bit. Great. But here 22 years I have built this business and enjoying it. Superb. So which company, right, you are working with, and the system, role of system, what is the importance of system? Vestige, yeah, with winning team. Great. System. Superb. Thank you. Singh sir, आप फैमिली के साथ में मैम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने सुना है आप बहुत एक सीनियर पोजीशन पर हैं, उसके बावजूद भी अपनी फैमिली में इस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी इस बिजनेस में और क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो बढ़िया एक गवर्नमेंट का जॉब है और सब कुछ, इज्जत दौलत शौहरत सब सुना है हमने, पर आप क्यों कर रहे हैं इसे? नहीं, सब कुछ है पर टाइम नहीं है। मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, वहाँ टाइम नहीं है परिवार के लिए। हाँ, हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी में है, गवर्नमेंट जॉब में 24 आवर्स जॉब है। ग्रेट। और अब जैसे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे चार्जेस मेरे पास में हैं, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं। ग्रेट। लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि ये 5 साल में वो सब कुछ मिल गया जो 25 साल के जॉब में नहीं मिला था। ग्रेट। और अभी अभी सुना है हमने बहुत ज़बरदस्त लग्जरी कार ली हुई है जी, उसको मेरी पत्नी ने मुझे गिफ्ट किया है। मतलब वाइफ ने आपको गिफ्ट की है जी? लगभग 45 से 50 लाख की कार। 62 लाख की कार। यस माय गॉड, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाने दीजिए सर के लिए, जबरदस्त। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक होम मेकर हाउस वाइफ अपने गवर्नमेंट जॉब के हस्बैंड को इतनी बड़ी कार? yes. कौन सी जगह पॉसिबल है ये? ये तभी संभव है जब हम टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए, जो इसी इंडस्ट्री में संभव और कहीं संभव नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है, वेस्टीज विनिंग टीम के साथ पॉसिबल है। बिल्कुल, वेस्टीज विद विनिंग टीम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं आ रहा हूँ हमारे बीच में जबरदस्त ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, लक्ष्मण एंड प्रांजलि नलावड़े जी। लक्ष्मण जी, आपकी क्या जर्नी कैसी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और आप अभी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम यहाँ पर रणथंभौर में बड़े चिल कर रहे हैं। 3 साल रही भैया मेरे पास।
सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग तो 99 में शुरू करी थी, लेकिन सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग और सही कल्चर के साथ मैंने ये बिजनेस 2 साल पहले किया विनिंग टीम के साथ, और बड़ी कृपा रही भगवान की कि हम विनिंग टीम के साथ आए। और सागर सर, मंजूषा दीदी, अनूप सर और भारी भैया हमारे अपलाइन में हैं, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम सही सिस्टम के साथ जुड़े, वरना बहुत सारे लोग वेस्टेज तो कर लेते हैं। मैं तो ये तक कहूँगा कि कुछ लोग पुरानी कंपनी से वेस्टेज में आ जाते हैं, लेकिन पाप खत्म नहीं हुआ इसलिए विनिंग टीम में नहीं आते। इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप विनिंग टीम में नहीं आते हो तो आप सही मायने में रिटायर नहीं हो पाएंगे, बस स्कीमों में फंसते रहोगे, ऑफर्स देते रहोगे डाउनलाइन को। इतना ही कहूंगा कि सही कल्चर अगर आपके टीम में चाहिए आपको, तो आपको विनिंग टीम के साथ ही आना पड़ेगा। कम जॉइन अस, वी लव यू गाइस। लक्ष्मी सर, थोड़ा सा एक बार और जानना चाहूंगा कि आपने काफी 15-17 साल एक पुरानी कंपनी में, गोरों वाली कंपनी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी में डाले थे, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब वहाँ तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत बढ़िया लाइफ थी फिर। हाँ नहीं, देखिए अगर मैं कहूँ तो मैं फाउंडर एमरल्ड था, मेरे टीम में 7 एमराल्ड, 1 डायमंड और 100 प्लैटिनम थे। वी वेर मेकिंग गुड मनी बट वी वेर नॉट मेकिंग ग्रेट मनी। अच्छा, गुड और ग्रेट में फर्क क्या है सर? बहुत फर्क है सर, जो आज की तारीख में आप में और पुरानी कंपनी के डायमंड के इनकम में है उतना ही फर्क है गुड और ग्रेट में। तो आप ये डिसीजन कैसे ले पाए? लोग बोलते हैं कि भाई शादी एक बार हुई है, मेरा तो बच्चा है ना, तो आपने कैसे चेंज कर लिया? मैंने शादी प्रांजलि से करी है, कंपनी के साथ नहीं करी। नहीं तो मेरे माँ बाप मेरी कंपनी नहीं है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो एक व्हीकल है मेरे सपने पूरे करने के लिए। एब्सोल्युटली राइट, पर यस यस कंटिन्यू, दैट इज अ व्हीकल। तो बहुत सारे लोग अभी आज बोलते हैं कि नहीं दूसरी कंपनी सुनना ही नहीं, देखने नहीं, मतलब तो उनके लिए मतलब क्या, कैसे अपन बताएं, क्या समझाएं? मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनके पाप कम कर दे ताकि ये सुने और विनिंग टीम के साथ जुड़ जाए। ग्रेट ग्रेट। तो अभी क्योंकि आप 15 मिनट अगर किसी और कंपनी के बारे में सुन भी नहीं सकते हो, दैट इज वेरी सैड। मैं भी था वैसे ही, मैंने विशाल पिटाड़िया को ब्लॉक किया था, रमा सोलंकी को ब्लॉक किया था, त्यागी सर को ब्लॉक किया था, मैं भी था, आप में से ही था मैं। लेकिन दोस्तों बदलना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज, चेंज इज इनएविटेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर आपको ग्रो करना है, इफ यू वांट टू हैव, इफ यू वांट टू लेवरेज योर टाइम एंड मेक अ ग्रेट लाइफ, वेस्टीज विथ विनिंग टीम इज द ओनली सोल्यूशन। प्लीज प्लीज कम जॉइन अस। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी। अब मैं आ रहा हूँ हमारे डॉक्टर त्यागी जी के पास। डॉक्टर साहब, आप तो एयरफोर्स में रहे हैं, राइट? बढ़िया, एयरफोर्स में ड्रीम जॉब होती है, राइट? तो और उसके बाद में आपको नेटवर्क मार्केटिंग का भी चस्का लग गया था, ठीक है? तो ये मतलब एयरफोर्स से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में भी आपने काफी लंबा अरसा गुजारा और अभी आप वेस्टीज कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्यों करनी चाहिए एक नए पर्सन को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्या फ्यूचर है उसका? राइट, तो जब मैंने पहली बार प्लान देखा, जैसे मैंने अपने कल उसमें भी शेयर किया था कि 27 साल की एज थी और ये बताया था कि भाई 5 साल का प्रोजेक्ट है, एक बार कंप्लीट कर लो तो जिंदगी में जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी अपने पास होगी, जैसा बंगला चाहिए वैसा बंगला, जब चाहे थाईलैंड, सिंगापुर, जापान जाके आओगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा भी 27 का हूँ, 32 का होते होते सब हो जाएगा, और हमने शुरू कर दिया और हमने ताकत लगाई पूरी, बहुत जोर लगाया। इवन बार बार गवर्नमेंट जॉब था तो हमें भेजते थे कभी बॉम्बे हाई, कभी श्रीनगर, कभी लेह, कभी लद्दाख। तो मैंने कहा कि जो बिजनेस को बिल्ड करने में जो बाड़े आ रही है, चलो उसको निकालते पहले। मैंने बिना पेंशन 12 साल 5 महीने जॉब करके मैंने रिजाइन कर दिया, गवर्नमेंट जॉब विदाउट पेंशन मैंने रिजाइन कर दिया। और फिर मैंने जोर लगाया काफ़ी हद तक, लेकिन नहीं हो पाया। 42 साल की एज तक ये सब नहीं हो पाया, तो लगने लगा अंदर से कुछ गलत हो रहा है, इंडस्ट्री पे डाउट आने लगा कि ये वाकई में काम करती है, सिर्फ कुछ लोग के लिए काम करती है। मुझे मेरे ऊपर डाउट आया कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए, वो कहते हैं ना, कंपेटिबल नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। मेरा मुझे वहां पर क्या लेवल था सर आपका, क्या वहां पर? मैं फाउंडर्स प्लैटिनम था।
फाउंडर्स प्लैटिनम थे आप, राइट, काफी बड़ी टीम थी वहाँ पे। जी बिल्कुल, हमारी टीम में 3 फाउंडर्स प्लैटिनम थे और 6 गोल्ड थे और कई 20-25 सिल्वर थे। इतनी बड़ी टीम थी, इतना बड़ा लेवल था, तो बहुत सारे लोग तो लेवल पकड़ के बैठे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, इनकम की पूछते तो फिर इनकम क्यों नहीं बताते साहब? तब नहीं बताते थे, बताते हैं 65-70 एवरेज पे होते हैं। अच्छा, तब नहीं बताते थे। अच्छा, तब क्यों नहीं बताते थे? मतलब तब यही था कि काफी अच्छे अच्छे लोग मार्केट से आ रहे थे, समाज से आ रहे थे। हाँ। अगर मैं उनको बोल दूं कि मेरी 65-70 हजार पे आउट बन रही, तो वो नहीं आएंगे, बिकॉज वे ऑलरेडी उससे ज्यादा बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर वाले आते हैं, बैंक वाले आते हैं, इवन एयरफोर्स वाले वो हमसे ज्यादा बना रहे थे जिनके साथ से मैं आया था। तो अगर मैं बोल दूं 65-70 बन रहे हैं फुल टाइम काम करके, तो वो क्यों आएंगे? तो हम वहाँ पे बोलते थे गोलमोल, झूठ भी नहीं बोलते थे, गोलमोल रखते थे कि आप बनो बहुत मिलेगा, आप बनो बहुत मिलेगा। तो मैंने भी अपने एक अप्लाई से पूछा था, तुमने बोला इतना आता कि तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा। वही बात है, भरोसा ही नहीं होगा। इतना कम आता है कि भरोसा नहीं होगा। तो अब मेरे सामने है विशाल पिताड़िया, बहुत ही यंग हैं। और विशाल, मैं सुना है कि तुम एक बहुत बढ़िया टॉप मोस्ट MNC में बहुत हाईफाई जॉब करते थे, राइट? और उसके बाद तुमने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी काम किया है, ठीक है, और फिर वेस्टीज में। तो क्या जर्नी रही तुमने, और कैसे चेंज किया तुमने अपने आप को, क्योंकि चेंज बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे अब चेंज करना चाहिए? क्या चीज़ ने मोटिवेट किया तुम्हें वहाँ उस कंपनी से वेस्टीज में आने के लिए? मैं तो अकाउंट प्रेसिडेंट की ऑफिस को रन करता था और सैलरी 12,000 की थी। 12,000? हाँ, 12,000 की सैलरी जॉब में थी। महीने की। ओ। और अकाउंट प्रेसिडेंट की ऑफिस है तो छोटा मोटा अकाउंट चलाने वाला सैलरी क्या हो, इनकम कितनी होगी, नॉर्मल होगी। बट उसके पहले मैंने वही जो भैया ने बात की गोरो वाली कंपनियों में 3 साल डाले, मैंने उस टाइम भी बताया था कि मैंने फर्स्ट प्लान देखा था 19 नवंबर 2013 को रात को 1:30 बजे, वो ये प्लान देखा था। और 3 साल लगातार काम किया, जी जान लगाकर काम किया, बट इतनी अच्छी पील लेवल थी कि पैसे आए थे 1820 रुपये, हाइएस्ट 3 साल में। हाँ, 9%, बहुत बढ़िया। तो नो डाउट, हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि मेहनत सिस्टम नहीं, पर मेहनत सिस्टम सब कुछ किया, सब कुछ फॉलो किया। बट कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि मुझे अपलाइन के चेक दिखाई नहीं दे रहे थे, अपलाइन का ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था, अपलाइन की गाड़ी चेंज नहीं हो रही थी 5-5, 6-6, 8-8 साल से, 9-9 साल से। तो मैं सोच रहा था अगर उन लोग के चेक 50,000-1,00,000 नहीं दिखाई दे रहे, तो मेरे चेक कब पहुंचेंगे? और मैं तो आया था मेरी यहाँ जॉब से फ्री होने के लिए, मैं तो मेरी जॉब से फ्री होने के लिए आया, तो मुझे कम से कम 20-25-50 हजार चाहिए था। तो अगस्त महीने में डिसाइड किया और मैंने एक ऐसे इंसान को देखा, सागर भामरी जी को, जो यंग इंसान जिसको हम लोग ब्रीट में फॉलो कराया करते थे, वहाँ मैं देखा था कि ये 25 साल का लड़का फाउंडर्स प्लैटिनम है और हम लोग उसकी तरह क्वालिफिकेशन करके हम लोग अच्छी से 1-2 लाख रुपए की इनकम बनाए। और मुझे पता था कि 1-2 लाख रुपए की इनकम आती है, बट सच में जब पता चला तो वो इनकम भी नहीं क्रॉस होती थी। और आज वेस्टीज और विनिंग टीम परिवार के साथ, मैं अभी बता रहा हूँ, विनिंग टीम परिवार के साथ मुझे सिर्फ 4 साल हुआ है, 6 महीने में जॉब से फ्री हुआ, 1.5 साल में मेरी ट्रेडिशनल बिजनेस से फ्री हो चुका। जब 1.5 साल से फ्री हुआ तब 1.5 लाख का चेक आया था, आज की तारीख में 4.25 लाख रुपये एवरेज चेक बना रहा हूँ और 14.5 लाख की गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। और आज मैं राजस्थान में फैमिली के साथ, मतलब विनिंग टीम परिवार के साथ घूमने के लिए आया हूँ। वेरी गुड। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि समस्या अगर विशाल पिथाड़िया में होती तो यहाँ पर भी 12-15 हजार से नहीं ज़्यादा कमा पाते थे, राइट? प्रॉब्लम विशाल पिथाड़िया में नहीं है, प्रॉब्लम लक्ष्मण जी में नहीं है, आकाश त्यागी जी में नहीं है, इवन मेरे अंदर भी नहीं है, राइट? ठीक है, तुम पकड़ना फिर मैं बोलूंगा। तो समस्या कहीं और है, राइट? कैसेट कहीं और फंसी हुई है, ठीक, समझना पड़ेगा, थोड़ा आत्मविश्लेषण का विषय है ये। आज यहाँ पर 12,000 कमाने वाला लड़का 3 से 3.5-4 साल के अंदर 4 लाख रुपये कमा रहा है, राइट? ये कैसे पॉसिबल है, राइट? तो समझना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पर है, ओपन माइंड होके, ये मतलब ये हाई टाइम है, मतलब। और अगर आप सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो अपने परिवार को, बच्चों को, वाइफ को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, राइट? यू आर स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर, अगर आप नहीं सुन रहे हैं किसी भी बात को। बात करते हैं ओपन माइंड होने की, खुद का तो बंद कर रखा है दिमाग, तो कहाँ ओपन माइंड है आपका, राइट? कोई ये आपको नहीं बोल रहा है कि आप किसी कंपनी का मैं आप ज्वाइन हो, साइन अप करो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो प्रोफेशनलिज्म बनता है कि हम किसी नए चीज़ को जानें, समझें एटलीस्ट, राइट? और फिर अपना डिसीजन लें। सो थैंक गॉड ये बात इन लोगों को समझ में आई। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, हमारे एक और डायनामिक लीडर हैं, DCD हैं, दिखने बहुत स्मार्ट लगते हैं, 31 ईयर के हैं, रिच हैं, रिटायर हैं, एंड इनकी हेयर स्टाइल देखिएगा, मतलब इनकी हेयर स्टाइल के लिए अलग से इन्होंने एक बंदा हायर कर रखा है, ठीक है? तो मिस्टर रमा सोलंकी, आप के बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं और आपने अपना जॉब स्टार्ट, जॉब में थे आप मुंबई में, राइट?
और बड़ी टॉप क्लास जॉब रही आपकी तो, है ना, बहुत बढ़िया पैसा आता था, फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी मिली, डायरेक्ट सेलिंग में आए और अभी आप वेस्टीज विद विनिंग टीम है। तो कैसे रहा, पिछली कंपनी में क्या इनकम थी और कैसा था वहाँ पर और अभी क्या फील कर रहे हैं? यस, तो जैसे आपने बताया रामा सोलंकी नाम है और अभी मुंबई में रहता हूँ, बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। तो जब भी मैं मुंबई गया था तो बहुत बड़े सपने लेके गया था एक छोटे से गांव से, और वहाँ पे फर्स्ट मेरा जो सैलरी था वो 300 रुपीज़ था मंथली, और जब मैंने विस्टीज ज्वाइन किया 2016 में तब कुछ 32,000 सैलरी था, और एक साल में यहाँ पे इनकम 1,00,000 रुपये हो गया क्योंकि एक सही कल्चर मिला, सही एसोसिएशन मिला विस्टीज में। उसके पहले जो मैं कर रहा था, मैं जब जॉब कर रहा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके साथ मैं एम्बे बिजनेस करता था, आज कंज्यूमर लेवल पे शुरुआत की थी, लेकिन देखा कि वहाँ पे बहुत एक पुणे में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया था जो जापान से आया था, यूसुफ के हमामोटो, उसकी लाइफस्टाइल देखी और काफ़ी ये हुआ है, मैं बोला ऐसा करना है कुछ, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा किसी का नहीं दिख रहा था। मैं जिन लोगों के साथ मैं मतलब मीटिंग में देख रहा था सेम वही लेवल पे आते थे, सेम वही इनोवा गाड़ी लेने के लिए 20-20 साल ड्रीम बनाए थे उन्होंने, 20-20 साल लगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो नहीं होगा, थैंक्स गॉड विस्टीज और विनिंग टीम के साथ में हम 3 साल में पूरी ज़िंदगी बदल गई, वरना कार आ गई, एक 5-6-7 लाख का महीने का इनकम है, एक 70-80 लाख का बंगलो बनाया है, प्रॉपर्टी ली है, मतलब पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फॉरेन ट्रिप्स किया है, सब कुछ। 30 की एज में मैंने जॉब से फ्री हो गया, पूरा एंजॉय करा, आज कौन सा डे है कुछ नहीं मालूम है। तो मैं ये सब सबको यही बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी दोबारा मिलेगी नहीं, और ऐसा नहीं है कि 30-40 साल हम टेस्ट के लिए कोई भी कंपनी में लगा दें कि टेस्ट की तरह किया, तब तक लाइफ खत्म हो जाती है, और हम आए हैं सपने पूरे करने के लिए अपने परिवार के, लेकिन 30 साल के बाद अपना परिवार बचेगा ही नहीं, पेरेंट्स नहीं रहेंगे, जैसे कि आज से 2 साल पहले मेरे फादर नहीं रहे, अगर मैंने वो टाइम पे थोड़ा पहले किया होता तो थोड़ा सक्सेस पहले उनको दिखता था, आज मेरे फादर है होते तो बहुत प्राउड फील करते थे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा पैसा है, लेकिन आज वो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है अभी तो शिफ्ट हो जाइए, शुरुआत कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं भले फ्रेशर है, शुरुआत कीजिए इसमें वेस्टीज विनिंग टीम के साथ में, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, आगे की लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि पिछली कंपनी में कोई पेंशन नहीं मिलती थी, पकड़ रखते थे बंदो पेंशन, तो सर मैं वहाँ पे ज़्यादा मतलब ये नहीं किया था क्योंकि मुझे डाउट आ गया था, तो फिर मैं ट्रेडिशनल में चला गया था, लेकिन वहाँ पे हाईएस्ट जो इनकम थी वो 2200 रुपये तक आती थी, लेकिन सामान 2200। हाँ जी, कितने साल में आई सर? मंथ की पर डे एक बार आई थी, 1200-1500 रुपये एक ही बार आई थी। हाँ जी, हाँ जी, और वैसे सामान हम लोग लेते थे 8-10 हज़ार का महीने का, कभी 5 हज़ार का, मतलब ऐसा होता था। 10 हज़ार का सामान लेने पर महीने की कभी मतलब बंद एक बार आई 2200 रुपये जब 9% अच्छा प्रॉफिटेबल, बहुत गजब प्रॉफिट है साहब, अच्छा गए आप, मतलब साल भर में 12 × 10,000 करो तो 1,20,000 रुपये आपने खर्चा किए और 2200 कमाए, क्या बात है, जबरदस्त प्रॉफिटेबल प्लान है, छा गए आप, छा गए, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया सर, अब बहुत मजा आ रहा है, थैंक्स टू सागर। अच्छा, यहाँ वेस्टीज में आप महीने कितने का सामान लेते भैया? वेस्टीज में लेते सर बेस्ट डील का अगर सब जोड़े तो 8-10 हज़ार का लेते हैं, बाकी वेस्टीज का जो मेन प्रोडक्ट है वो 4-5 हज़ार का होता है। ओके, कुछ यहाँ पर बेचना भी पड़ता है क्या, मतलब महीने का लेवल मेंटेन करने के लिए? नहीं सर, 10 महीने से राजस्थान में बैठा हूँ, 50 लाख से ज्यादा इनकम बनाई यहाँ बैठे बैठे, फिर रहता हूँ मुंबई में। माय गॉड, मतलब बिजनेस ऑटो मोड में चल रहा है? यस यस, रियल मायने में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यस, पैसिव रेजिडुअल इनकम आज कमा रहे हो? यस यस बिल्कुल, बिकॉज ऑफ विनिंग टीम सिस्टम जो एक ऐसा डेवलप करके रखा है बाली सर ने, फैमिली ने, कि पूरा एकदम ऑटो पायलट पे चल रहा है बिजनेस हमारा, कोई देखने की। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा रमा आपसे बात करके। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, बर्तन जी हैं एंड अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। बर्तन जी, आई वुड लाइक टू आस्क की व्हाट वाज योर लेवल इन प्रीवियस कंपनी एंड हाउ मेनी इयर्स यू हैव वर्कड इन दैट कंपनी एंड इफ यू फील कंफर्टेबल व्हाट वाज योर एवरेज इनकम ओवर देयर एंड हाउ यू चेंज, लाइक व्हाट वाज द की फैक्टर दैट्स व्हाई यू चेंज फ्रॉम दैट प्रीवियस कंपनी टू वेस्टीज? कैन यू स्पेल नेम? Yeah, you can, yeah, it's straight away. No problem. My previous company was Ambi. Okay. And the first company also. Okay. It's very good company. Yeah. Very good products. Yeah. And very good company to take apprenticeship for those who come to network marketing. Okay. Good for apprenticeship. Apprenticeship. Training. I had 11 years apprenticeship there. They paid me very good stipend, up to 3 lakhs. Up to 3 lakhs, okay. With the knowledge and experience I had from that company, I built business here in Vestige to get money, making good money. Okay, great. So everybody can go to Ambe for
apprenticeship and come to Vestige and winning team to make money. So your family or your son is also involved, I think? Yes, he's also. Okay. He was also in army. Okay. Very good apprenticeship he had. Okay. So that he is working very good here. He became the first Universal Crown Director in Kerala. Oh, great. With just 9 months. So right now your level in Vestige and you have bought a luxury car also? Yes, in Vestige I am in the top level. There also in Ambe also I wanted to be on the top. Oh, but achieved diamond shape. Oh, okay. Within 3 years. Within 3 years? In Kerala? Yes. Okay. But after that I tried for 8 years, 8 more years to get at the top. Okay. And the ladder was very tough there. Okay. What was the main challenge over there? Challenge over there is the marketing plan. Marketing plan? Money won't come. Okay. Downlines won't get money. There is no growth. Downlines make very less money. So, without in network marketing, without downline making money, upline cannot make much money. Okay. It was the problem. My downline were not making money. They were not happy. And I was happy with the 3 lakh income. Okay. But my downline were not happy. Okay. So I switched over to Vestige. Right. And my dream was also to make 1 crore. It was not... After 11 years, I realized that it is not possible in Amway. And it is possible in Vestige. Oh, yes. Great. Fantastic. Yes, after achieving the top level in that company, you are into Vestige, right? And what kind of future you are able to see in this Vestige, right? See, in Ambe, they achieved more than 2000 crores when we were there. Right. And they are maintaining that business. Right. With hiking the production, no product business, pricing. Product pricing. Okay. No business growth is happening. Whereas in Vestige, I joined Vestige when Vestige was only 400 crores. Yeah. Now they have touched 3,000 crores. Right. So I feel wherever we go, growth happens, whether it is in Amway or whether it is in Vestige. Great. So what is the advantage in Vestige you see, if you see the comparison? Why you are, the growth is fast in Vestige? That the products are not affordable. Okay, in Ambe. The products are affordable for anybody. Right. As the products are not affordable, right. Convincing people right. is a tough job. Right. Here the workload is 1/4 or less than that. Okay. And the income is 4 times. Great, super. Thank you so much, Bharatan sir, for giving your precious insights. What is the advantage? And we wish you best of luck in Vestige with winning team, right? And another thing is the system. Yeah. There were system, but here in Vestige, we have a system, namely winning team, headed by S.P. Baran. Perhaps it is going to be the best system, education system available on earth as on today. Wow. Yes, wow. Yes. Super. Dosto, abhi hamare saath hai Anup sir. Mera complete kar. Ab poochho. So, dosto, main thoda sa apne baare mein bata dun. Mera naam Anup Gupta hai aur main basically pharmaceutical industry mein maine kareeb 7-8 साल जॉब किया, राइट। मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में, फिर करीब 7-8 साल फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया, ठीक है। और जॉब करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट जॉब में मतलब सारे ड्रीम्स तो पूरे नहीं हो सकते, तो 2011 में मुझे मेरे एक डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, और वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी जो नंबर 1 रैंकिंग में है उसके साथ में मैंने काम शुरू किया। जब मैंने प्लान देखा और उसमें बताया गया कि इसमें पैसिव रेजिडुअल इनकम है और 2 से 4 साल में आप करीब 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, मतलब एक बहुत अच्छा डिसेंट लेवल हो सकता है, आपके पास फ्रीडम मिल जाएगी, तो मैं तो बहुत बड़ा एक्साइटेड हुआ, काम करना शुरू किया। एंड शुरुआत में मैंने पार्ट टाइम किया, पहले साल ही मैंने सिल्वर कर लिया था, दूसरे साल प्लेटिनम, तीसरे साल फाउंडर प्लेटिनम, फॉरेन टूर किया। मेरा एवरेज जो चेक होता था वहाँ पर 70 से 75 हज़ार रुपये एवरेज चेक होता था, और लेकिन चैलेंज ये था कि हमारी
वो चेक को पाने के लिए हमारी जो टीम में लोग होते थे, किसी का 5% 9% ऑफ रहा है, किसी का 15%, किसी का 18%, तो उनके लेवल को पूरे कराने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट भी करना होता था। और सपोर्ट करने के चक्कर में होता क्या था कि वो एक बार अगर हमने कर दिया तो वो फिर प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता था, फिर अगले महीने फिर उसको बेचने की टेंशन होती थी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं, मेरे जो सीनियर होते थे उनको जब पता चला कि भाई आपने लेवल मेंटेन किया है, क्लैपिंग होती थी, सेलिब्रेशन होता था, लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा था कि बर्डन बढ़ता जा रहा था, लोगों के घरों में प्रोडक्ट आता जा रहा था। ठीक है, मेरे बहुत सीनियर मोस्ट अपलाइन थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला कि सर अगर कोई 18% पहुंच गया है, 10,000 पीवी करना है, 9,500 पे है, 9,000 पे है, 5 साल 4 साल बाद बेचारा वो पहुंचा है, तो क्या 500 पीवी के चक्कर में वो लेवल छोड़ देगा, क्योंकि अगले महीने फिर जीरो पे खड़े हैं। तो वहां पर चैलेंज ये सबसे बड़ा ये है कि आपको अपना लेवल मेंटेन करना मजबूरी है। आप किसी भी लेवल पर हो, अगले महीने की 1 तारीख पर आप जीरो पे खड़े हुए, डजंट मैटर। आपको वो काउंटिंग, मतलब ऐसा टास्क है कि आपको एक सांस में 100 तक की गिनती गिनना है, सांस टूटी तो फिर जीरो पे चले जाओ। तो ये कब तक चलने वाला था? 4 साल हो गए, 4.5 साल टीम में लोगों को पैसा उतना नहीं आ रहा, 9, 12, 15% वाले बेचारे स्ट्रगल कर रहे। सबसे बड़ा चीज कि मेरी टीम में जो थे यंग जनरेशन के लोग थे, जो मेरे पर ट्रस्ट किया, जो मेरे साथ इस बिजनेस में आए, और जब उनके पेरेंट्स मेरे से पूछते थे कि भैया इनकी हमें इनका इनका करियर कब सेटल होगा, ये कब 1 लाख रुपए कमा, 50,000 रुपए कब कमाएंगे, तो अंदर से ना एक आवाज आती थी कि यार मैं ही 60-70 हज़ार रुपये बड़े घिसपिट के बना पा रहा हूँ, और उसके लिए मुझे, मैं तो जो कि फार्मा में मेरी जॉब थी, प्रोफेशनल बैकग्राउंड था, थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैनेज कर लेता था, लेकिन हर इंसान की बस की बात नहीं है। तो मैं मतलब उनको कब तक उनको झूठ बोलता रहूँ? एक चॉइस तो ये थी कि मैं उनको बस ऐसी झूठी होप देता रहूँ कि भाई नहीं, एक दिन आप भी प्लैटिनम जाओगे, आप एमरल्ड जाओगे, डायमंड जाओगे, जैसा मेरे अपलाइन वहाँ पे किया करते थे, राइट। दूसरा ये लगा कि नहीं यार कब तक चलेगा, मैं किसी को चीट नहीं कर सकता हूँ। तो अंदर ही अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन जैसा होने लगा, कि यार की कर क्या रहा हूँ, 70,000-60,000 रुपए की जो इनकम है वो तो मैं जॉब में ही कमा रहा था, राइट। और यहाँ पर 4 साल में उस इनकम को पाने के लिए इतना सारा टेंशन, इतना सारा मतलब प्रेशर लेना पड़ रहा है। सो मैंने लगा कि नहीं यार ये इंडस्ट्री मतलब छोड़ देना चाहिए, और क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ बताई गई थी कि दुनिया में एक ही कंपनी पैदा हुई है, उसके बाद तो भगवान ने दिमाग देना ही बंद कर दिया है, किसी के पास नॉलेज ही नहीं है। थैंक गॉड मार्च 2015 में मुझे मौका मिला वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का, और मैं उसको प्लान को जब देखा तो प्लान तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ, उन्होंने मुझे कार बुक दिखाई, लग्जरी कार बुक, जहाँ मैं किसी की कार, लग्जरी कार्स में आप मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, ऐसी गाड़ियाँ देखी, लोगों के इनकम देखी मैंने, किसी की 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख इनकम। तो पहली बार तो डाउट आया कि यार ये तो कुछ झूठ है, फरेब है, लेकिन मैंने सोचा कि यार एक इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, और इतने सारे ये दिखाए जा रहे हैं, चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं। तो किसी भी चीज़ को मना करने से पहले एक बार पता तो कर लें मैं किस चीज़ को मना कर रहा हूँ, बिना जाने बिना समझे आँखों पर पट्टी लगाए अगर बैठे रहेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड फॉर्चुनेटली उसी वक्त मुझे पता चला कि बरेल सर, राइट, जिनको मैं बहुत बड़ा मतलब इंस्पायर हुआ करता था, उनकी सीटी देख के बहुत मोटिवेटेड होता था, पता चला कि सर ने भी स्टार्ट किया है। तो मैं उनसे मिला और उनसे जाना कि सर आप तो इतने सीनियर मोस्ट लेवल पर थे, आपने क्यों छोड़ा? तो जो पेन मैं फील कर रहा था, जो चैलेंजेस मैं फील कर रहा था कि ग्रोथ नहीं है, डाउनलाइन को पैसा नहीं आ रहा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो मैं मतलब रिलेट कर पाया कि नहीं वाकई मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ या ले रहा हूँ, उनके पास तो मेरे से कई गुना बड़ा एक्सपीरियंस था। तो फिर मैंने डिसाइड किया वेस्टीज को करने का, एंड जब स्टार्ट किया तो फुल फ्लेज स्टार्ट किया। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आए, चैलेंजेस ये आए कि मैं फाउंडर प्लेटिनम था, मेरे जो अपलाइन थे वो फाउंडर एमरल्ड थे। अब समझिएगा, एक फाउंडर एमरल्ड की अगर 1 लाख मूव होती है तो वो मतलब घर पे बैंड बाजा भरा तो लेके आएगा नहीं, खुशियां तो मनाएगा नहीं, उसकी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ठीक है, उसने मुझे मतलब उन्होंने मुझे 1001 रीजन दिए वेस्टीज ना करने के, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, बोले कि बर्बाद हो जाओगे, कंपनी भाग जाएगी, प्रोडक्ट घटिया है, तमाम सारी चीज़ें। उनकी सब बातों को सुनने के बाद मैंने अपने आप से पूछा ये कि ये पर्सन जो मेरे सीनियर अपलाइन है, ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनकी जगह अपने आप को रखा
मैंने कहा ये तो नेचुरल बात है यार कि मेरा अगर बिजनेस डिस्टर्ब होगा तो मैं अपनी डाउनलाइन को जाने से रोकूंगा, राइट। तो उनका इंटेंशन जो था वो मुझे किसी भी तरह से रोकने का था, लेकिन मैं ये जान चुका था कि जब मैं मेरे से कम पढ़े लिखे मेरे से कम टैलेंटेड लोग वेस्टीज में 10-20-50 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं तो हम तो बहुत बड़ी इनकम ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। कुछ लोग आए, मतलब जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो बोलते हैं कि भाई हमने तो मतलब पहली और आखिरी कंपनी है, इसे शादी कर ली है, राइट। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, 1-2 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कि सर आप जा रहे हैं दिल्ली से, जा रहे हैं आपको कश्मीर तक जाना है, दिल्ली से कश्मीर जाना है, जम्मू जाना है, और दिल्ली से कश्मीर का जो ट्रेवल टाइम है ट्रेन से है वो 10 घंटे 12 घंटे है। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन को 12 घंटे हो गए लेकिन कश्मीर नहीं पहुंची है, 24 घंटे हो गए हैं फिर भी जम्मू नहीं पहुंची, एक दिन निकल गया है तो भी कश्मीर नहीं, 2-3 दिन हो गए। मेरा सवाल आपसे है कि आपने जब जर्नी शुरू की थी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आप इस इंडस्ट्री में आए थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए थे, आपने अपनी जिंदगी के 10-15 साल लगा दिए, कभी एकांत में जाके अपने आपसे सवाल किया कि आपका पर्पज क्या था? नंबर वन गिनाना, पेटेंट गिनाना, जिंदाबाद करना, मुर्दाबाद करना, या अपने सपने पूरे करना? कहीं हम अपना पर्पज तो नहीं भूल गए? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस इंडस्ट्री में? ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑब्जेक्टिव था अपने सपने पूरे करना। जब हम जाने की तैयारी कर रहे हो, जब आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे तो क्या कर लोगे आप? अभी हमारी उम्र है, अभी आपकी उम्र है, आपके बच्चों को, आज आपकी बेटी की शादी करनी है आपको, आपको 10 लाख रुपए चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, तो किस बात की झूठा मतलब ईगो पाल रखा है ना, किस बात के क्रेडेंशियल हम गिना रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपको 3 दिन हो चुके हैं लेकिन ट्रेन जम्मू नहीं पहुंची है, आप क्या करेंगे? आपने कसम खा रही है मरेंगे जिएंगे लेकिन इसी ट्रेन से जाएंगे, ऐसा करेंगे कि आप? प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग खोल के समझिएगा, आप क्या करेंगे? आप ट्रेन से उतरेंगे, कोई दूसरा व्हीकल पकड़ेंगे और आप टैक्सी पकड़ेंगे, पैदल जाएंगे, कोई व्हीकल पकड़ के आप जम्मू पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? जम्मू पहुंचना था। ट्रेन तो एक वाहन है, ट्रेन एक व्हीकल है जो आपको जम्मू तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो एक व्हीकल है, राइट। अब वो व्हीकल में आप इतने सालों से बैठे हुए हैं और आप 10-15 साल हो गए हैं, 1-2 लाख भी नहीं आ रहे, और हमेशा अपने आप को दोष देते हैं। जब भी मैं अपलाइन से काउंसलिंग करता था ग्रोथ को लेके, तो हमेशा एक ही ज्ञान देते थे, सी मोर पीपल सो मोर प्लान, और थोड़ी सीडी और पढ़ लो, किताब और पढ़ लो, घर में लाइब्रेरी खोल दी, लाखों रुपए लगा दिए। और आज भी किसी 15 साल हो चुके जिस बंदे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलता है अभी मैं सीख रहा हूँ, तो भाई साहब जिंदगी भर सीखने में लगाओ तो पैसे कब कमाओगे? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? सो ये सब चीज़ें दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मेरे को पूछते, मैं जब लोगों से बात करता हूँ खासकर जो एमवे में है, जहाँ तक लोग तो ब्लॉक कर दिए क्योंकि मैं दुश्मन लगता हूँ कि मैं उनकी जिंदगी खराब कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, परमात्मा की विशेष कृपा होगी तो शायद आपका दिमाग खुल जाए इस वीडियो को देखने के बाद, जिस भी पर्सन जो भी पर्सन आपको शेयर करेगा। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका बेटा है, राइट, आपका बेटा है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, 25 साल का हो चुका है, शादी हो गई है और उसकी 30,000 रुपये सैलरी है, 5 साल हो गए हैं उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, भयानक वर्क प्रेशर है, 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, और बेटा आपके पास आता है बोले पप्पा मेरे को यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है, ग्रोथ नहीं हो रही, आप क्या बोलोगे? नहीं बेटा तुझे अपनी माँ की कसम है तुझे जिंदगी भर इसी कंपनी में काम करना है, तेरी ग्रोथ हो चाहे नहीं हो तू यहीं पे काम करेगा, क्या ऐसा सजेशन देंगे अपने बेटे को? एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिएगा आप क्या बोलेंगे। आप उसे बोलेंगे बेटा जा जहाँ पर भी तुझे करियर में ग्रोथ मिल रही है, बिकॉज टाइम एफर्ट एनर्जी तो डालना है, राइट। हम यहाँ पर कोई कंपनी खेलने नहीं आए, हम यहाँ पर सपने पूरे करने के लिए आए। आप अपने बेटे को क्या सलाह देंगे? आप अपने बेटे को सलाह देंगे? अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं तो सलाह दूंगा कि बॉस तुझे जहां पर अच्छा लगता है, जहां पर ग्रोथ है वहां पर जा। लेकिन जिस डाउनलाइन को आप बेटा बोलते हो, जिस डाउनलाइन का भाई बोलते हो, उसको क्यों अटका के रखा है? उसको क्यों बरगलाते हैं आप? उसको क्यों कंफ्यूज करते हैं? ये बिल्कुल सही बात नहीं है, राइट। आप अपने आपको अपने प्रति ऑनेस्ट रहना है, आपको आप जिंदगी की आपके ऊपर ट्रस्ट किया लोगों ने, आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जस्ट कि आपको 10,000 PV करना है, 30 ऐसे बेवकूफ तैयार कर लोगे 300 PV महीने करें और आपका 10,000 PV हो गया और आप फॉरेन टूर करें बेचारे वो ताली बजाते रहे, कब तक चलेगा ये? दोस्तों ये वक्त आ गया है थोड़ा सा अपना दिमाग खोलने का, राइट, कुछ बड़ा करने का ना, ओपन माइंड होके सोचने का समझने का विषय है, राइट। और मैं सच बता रहा हूँ कि जब से मैंने डिसीजन लिया है मार्च 2015 और अभी 2020 चल रहा है, इन 5 साल के अंदर इनकम की बात करूँ तो पहले महीने 23,000, छठवें महीने के जो मेरा चेक था
125,000 का चेक था विद इन 6 मंथ। जब ये चेक आया था तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि ये चेक मेरा है क्या, कि मैंने 5 साल वहाँ पे लगाए, 70-75 हज़ार रुपये आते थे और उसमें भी जेब से लगाना पड़ता था। यहाँ पर 125,000 के चेक में 1 रुपये जेब से नहीं लगाना पड़ा, वो काम 6 महीने में हो गया। मेरा सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम अनूप गुप्ता में होती थी, प्रॉब्लम रमा सोलंकी में होती थी, तो यहाँ पर भी 25-50 हज़ार रुपये कमा रहे होते थे, स्ट्रगल कर रहे होते थे। दोस्त, प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, ये सिस्टम ने, आपके जो भी सीनियर हैं उन्होंने अपने बिजनेस को सेफगार्ड करने के लिए बार बार आपको ये बोल रखा है। आप ओपन माइंड होके इस इंडस्ट्री को देखिएगा, राइट, ओपन माइंड होके इस इंडस्ट्री को सुनिएगा, समझिएगा। और वेस्टीज कंपनी हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 2025 तक हम 50 कंट्रीज में होंगे और लगभग करीब 25,000 से 30,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। आप सोच नहीं सकते आज की डेट में फास्टेस्ट जो ग्रोथ है, 1-1 करोड़ की इनकम महीने की आ रही है। मेरी बात मैं करूं तो लगभग एवरेज 19.5 से 20 लाख रुपए महीने की इनकम है, राइट। ऑडी की इतनी ड्राइव कर रहा हूं, टीम में कई सैकड़ों लोगों के पास गाड़ियां आ चुकी हैं, लोगों घर आ चुके हैं, दोस्त पूरी जिंदगी बदल चुकी है। ये सही वक्त है, राइट, निर्णय लेने का, नहीं तो जिंदगी ऐसी निकल जाएगी और आप भी बोलोगे कि मैंने भी इस इंडस्ट्री में कभी काम किया था और मैं सफल नहीं हो पाया। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, बहुत सारे लोगों की आशाएं, सपने टिके हुए हैं आपके एक डिसीजन के ऊपर, पर ये आप तब ले पाएंगे जब आप अपनी आंखों से पट्टी हटाएंगे और दुनिया को, मतलब ना, पारसे लोग नहीं देखेंगे लेकिन एक नॉर्मल पर्सन होकर देखेंगे, कंपनी को साइड में रख के, सपनों को प्रायोरिटी में रख के देखेंगे तो शायद आपके पास समझ में आ पाए, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा आप इस इंडस्ट्री को ओपन माइंड होकर देखें, चीज़ों को समझें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर डिसीजन लें, जिससे आप आने वाले 2 से 3 साल में वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ अपने सारे सपने पूरे कर सकें। थैंक यू सो मच। अब मैं लेके चल रहा हूँ हमारे मेंटर के पास, जिनकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी में इतनी रौनक आई है। तो भैया, आपने तो बहुत टाइम डाला था वहाँ पर, राइट, और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। जब मैंने डिसीजन लिया था तो लोगों ने, मतलब, तमाम तरह की बातें करी थी कि उनने तो छोड़ दिया, उन्हें निकाल दिया गया, ऐसे तमाम सारी बातें कही गई, कसीदे लगाए गए। तो वास्तविकता क्या है भैया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? अनूप, पहली बात तो ये कि मैंने 99 में शुरू किया था, जिन कंपनियों की तुम सब लोग इतनी देर से बातें कर रहे हो, और मैंने एमबीए में मैं आया तो एक उम्मीद के साथ, उस चीज़ के साथ कि हम हिंदुस्तान की शक्ल बदल देंगे, लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आएगा और कुछ चमत्कारिक होगा। जैसे भी तुम्हें बात कर रहे थे, आपने शादी करी है, किससे करी है, हम अप्रैल 99 से पहले तो एमबीए को भी नहीं जानते थे, हम 2015 से पहले वेस्टीज को भी नहीं जानते थे। तो कुछ चीज़ें हमें देख के समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें करके समझ में आती हैं, और वे मूर्ख हैं जिनको ना देख के समझ में आती है ना करके समझ में आती है। कब समझ में आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता है। बहुत स्पष्ट बात है, इतनी देर से आप सब लोग लाइव को सुन रहे हो, देख रहे हो, हमारा किसी का उद्देश्य नहीं है हम किसी कंपनी की बुराई करें, हमारा किसी का उद्देश्य नहीं है हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलें, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है हम किसी के बारे में गलत कहें, लेकिन ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं। मैंने अगर इनके सपने जगाए हैं इस इंडस्ट्री के लिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको सही रास्ता बताऊँ। लोगों ने कैसी भारत ने इनमें छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया ना, तो कल तक तो तुम बातें करते थे इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बढ़िया कंपनी है, आज तुमने बदल के दूसरी बातें करने लग गए। तो मैंने कहा हाँ, यही मेरी ईमानदारी है, यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी ऑनेस्टी है, मैंने जिस वक्त जिसको जैसा समझा वैसा उसके बारे में कहा। मैं तो तब बेईमान होऊंगा कि मैं जब उसे गलत समझूं और अच्छा कहता रहूं, मैं उनका क्या करूं जिनको उनके पांव दिख रहे हैं, मैं उनका क्या करूं जिनको उनकी जेबें दिख रही हैं, उनकी गलेबान दिख रही है, और फिर भी वे स्टेज पर खड़े होकर मोटिवेट करते हैं, यस यू कैन डू इट। अब वे बेईमान है कि हम बेईमान है, कौन बेईमान है मुझे समझ में नहीं आता, कौन बेईमान है हमें यह समझ में नहीं आता, कौन सच्चाई के साथ काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता, कौन झूठाई के साथ काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने आईफोन खरीदा, मैं कहता हूँ यार बहुत बढ़िया आईफोन है, बहुत बढ़िया आईफोन है, और मैंने काम में लेते लेते फिर मुझे लगा ये तो बेकार है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो मैं उस वक्त कहूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, या कहूँ कि नहीं भैया मैंने काम में लिया पहले अच्छा था, अच्छा नहीं है, अभी तुम ये वाला ले लो ज़्यादा अच्छा है। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, मैंने मझधार में नहीं छोड़ा किसी को कि बेकार है,
मैंने 2015 में अनूप इस बात की डिसाइड किया कि अब क्या, तो मैंने नक्की किया कि मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इस बात के लिए कि या तो इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, या पर्टिकुलर कंपनी में पैसा नहीं है, या हिंदुस्तान के लोग नहीं बना सकते। तो जितनी ताकत मैंने इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने में लगाई, उतनी ताकत मैं इस इंडस्ट्री को लोगों को वहाँ से निकालने में लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, मैंने अपनी टीम के लिए काम नहीं किया, मैंने ग्रुप के लिए काम नहीं किया। मैं पहले दिन से मेरे थॉट में मुझे इंडस्ट्री के लिए काम करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है। लोग अगर इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो उनके सपने पूरे होंगे, ये लोग इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो भाई डेवलप होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है वो किसी भी ग्रुप में हो, कहीं भी हो, मेरे पास कोई आता है मैं उससे पहले पूछता हूँ, भाई तू खुश है? तो तू जो कर रहा है वो करता रहे, सेटिस्फाई है जो कर रहा है करता रहे, अगर नहीं है तो हम ऑप्शन पे बात करते हैं। तो लोग हमें समझने लग गए हमारी बर्बादी हो गई, कसीदे पढ़ने लग गए, ऐसी भारत छोड़ गया, ऐसे वाले ने ये कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, लोगों ने सागर से भी कहा, लोगों ने अनूप से भी कहा, लोगों ने रमा से भी कहा, विशाल से भी कहा, लक्ष्मण से भी कहा, महेश से भी कहा, वेद से कहा, भरतन से कहा, सबसे कहा कि बर्बाद हो जाओगे उसके साथ जाओगे तो। अब 6 महीने में कंपनी भग जाएगी, ऐसी भारत भग जाएगा। अरे अब तो हो गए 5 साल, अब तुम बता दो अपनी और इनसे पूछ लो इनकी, और फिर तुम नक्की कर लो तुम्हें क्या करना है, कौन भगा, कौन सही है, कौन गलत है, किसने गलत किया। खूब गालियां दी लक्ष्मण को, थाने में रिपोर्ट करने जा रहा था, मैंने रोका, भैया मत कर अपना काम, थाने में रिपोर्ट करना नहीं, किसको देना था गाली मेरी। अब अच्छी गाली किसको पड़ी, जब लक्ष्मण का 5 लाख रुपए का चेक है वो ड्यूचरी जा रहा है, और जिसने गाली दी उससे कितने का वो पूछ ले, और जो जिसने गाली दी वो मेरी बात सुन रहा हो तो वो समझ ले। बेटा हमारे दरवाजे तो अभी भी खुले हैं, हमारा सीना तो अभी भी खुला है, हमारी छाती अभी भी चौड़ी है, तुम अभी भी आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह का भूला हुआ शाम को लौट आए तो क्या भूला थोड़ी कहलाता है, परिवार का काम, परिवार का मामला है, आ जाओ, जब आना हो जैसे आना हो जैसे करना हो वैसे कर लो। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि लोग कुछ भी कहें पर तुम इतनी बुराई मत करना जिससे तुम लौट ना सको। तुम्हें जो कहना कहो ना, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अब जो अब वो गांधी साहब के साथ नहीं आ सकता, क्यों, मैंने उनके बारे में इतनी बुराई कर ली ना, तो अब मैं कैसे शक्ल दिखाऊं। तुम चिंता मत करो, हमें शक्ल दिखाने की हम तो बिल्कुल तुम्हें महसूस भी नहीं होने देंगे कि तुम्हें पहले क्या कहा था अब क्या कहा है। और फिर तुम्हें अपने स्वार्थ बस अगर कुछ करना है, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो तो इज योर चॉइस। हम सिर्फ इतनी सी बात जानते हैं कि एक कंसेप्ट है, यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ एक फंडामेंटल है, यहाँ प्रिंसिपल्स हैं, एक कंपनी है, एक लीडरशिप है, दोनों की पार्टनरशिप होती है। इसे पार्टनरशिप बिटवीन द कंपनी एंड द लीडरशिप, कंपनी का इंटेंशन क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस क्या है, लीडरशिप किस तरीके से काम करता है। जब दोनों एक जेल हो जाती है तो क्रांति पैदा हो जाती है, जो वेस्टीज के साथ हुई और विनिंग टीम के साथ हुई है, इसलिए यहाँ रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसलिए कल हमने 3 दिन का वर्चुअल इवेंट किया, सुबह 9 से लेकर रात को 12:30 बजे तक पागलों की तरह हम बैठ के काम कर रहे हैं। क्यों? गौतम वाली जी एक बात कहते हैं कि खाली पेट ना टाई बांधी जाती है ना ताली बजाई जाती है। तुम कब तक बजवाओगे? तुमने 20 साल तक बजवा ली, 22 साल बजवा ली, 25 साल बजवा ली, धन्य हो तुम जो तुम्हें ऐसे लोग मिल गए हैं जो खाली पेट ताली बजाते और टाई बांधते हैं। हमें दुख है और हमारी पीड़ा बोल रही है, हमारा आरोप प्रत्यारोप और बुराई और बदनामी नहीं बोल रही है, ये हमारा दर्द है। हम आपकी खुशियां देखना चाहते हैं। मैं एक बात करके ख़त्म करता हूँ इस बात को। मैं केबल टीवी का बिजनेस करता था तो मेरा एसोसिएशन था, तो मैं अंगेज था किन लोगों के, केबल ऑपरेटर का मैं सेक्रेटरी था और मैं अंगेज था MNC के, जो आजकल बहुत बड़े बड़े बन गए ना, तब ने शुरू किया था, 92-93 की बात है, जी सिनेमा है, सिटी केबल है, हिंदुजा था, भास्कर सिनेमा, हाथ में ये सब लोग जो हैं। मैं उनसे पहले टेबल पर बैठ के एक बात कहता था कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ केबल ऑपरेटर्स को, आपको नहीं, तो मैं हित की बात करूंगा केबल ऑपरेटर्स की, आपकी नहीं। अगर इस बात को आपको एग्री करते हो तो अपन बात शुरू करें, वरना नहीं करें। मैं अब बैलेंस बनाने नहीं आया हूँ आपके साथ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ लोगों को, मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदुस्तान के, दुनिया के उन इंसानों को जो ड्रीमर हैं, उन लोगों को जो जिनके पास सपने हैं, उन लोगों से मैं प्यार करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लोगों को। अब
अगर कहीं पे किसी कंपनी से काम करने के बाद में अगर पैसे नहीं आ रहे हो तो मैं किसका फेवर करूँ, कंपनी का करूँ या लोगों का करूँ? लोगों का भी, लोगों का करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। अगर अत्याचार हो रहा होगा तो मैं लोगों का फेवर करूँ या कंपनी का करूँ? और मैंने उनको समझाया जहां मैं था, और बार बार मेरे मुंह से नाम लेने से क्या फायदा, क्योंकि ब्रेन में वो ऑर्डर जाता है। मैंने उनको समझाया, देखो ये पैसे नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, तुम सेल्समैन बना रहे हो, झूला टांग के आदमी जाएगा माल बेचने के लिए, ये नहीं हो सकता है, तुम समझ जाओ। क्यों नहीं समझ रहे हो? अबे नहीं समझे तो क्या करें? जब कोई नहीं समझे तो अपने को समझने में समझदारी है ना। यस, अबे नहीं समझे तो हम समझ गए, और अब तो इतिहास ने दिखा दिया कि कौन समझदार था कौन समझदार नहीं था, कौन सुधर गया। इसलिए हम बहुत पवित्रता के साथ आपसे बात कर रहे हैं। आप लाइव देख रहे होंगे, आप वीडियो देख रहे होंगे, आप लिंक पर देख रहे होंगे, जिसने आपको भेजा उससे बात कर लो, कुछ नंबर दिख रहे हो तो उनसे मिल लो, समझ लो अच्छी तरह से। अनूप अगर नहीं आता मेरे पास समझने के लिए, समझ में आया था ये तो, अगर समझने नहीं आता तो हमारा कैसे होता? मैं भी बाली साहब समझ नहीं गया था, और सोच के गया था मुझे नहीं करना है। अब एक बार समझने गए और समझ के आ गए तो हम क्या करें? समझ लिया। यही तो डर है भैया, समझने बैठती नहीं है, कि उनको लगता है कि अगर समझ गए तो हमें चेंज करना पड़ जाएगा। अब वो डर लगता है, और जो चेंज करते हैं ना वो जावाज लोग करते हैं, समझदारी के साथ जो चेंज करते हैं वो जावाज, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना मेरा, अभी फिर कोई आदमी इसे कट कॉपी पेस्ट करके दूसरे के काम में ले लेगा। मैं जानता हूँ मेरी दशा क्या है, मैंने बोला ना समझदार लोग चेंज करते हैं, तो कोई आदमी इस डायलॉग को काटेगा कॉपी करेगा और अपनी कंपनी में काम में ले लेगा, कि बेस्ट चीज खोलते हमारी कंपनी में जाओ, भारत साहब कह रहे चेंज करने में समझदारी है। ऐसा होता है, कटिंग बाजी से तुम बचो, डिजिटल कटिंग बाजी से। तो जो आप कर रहे हो अगर संतुष्ट नहीं हो तो कुछ और करना पड़ेगा, जो करते आ रहे हैं उसमें वो सब नहीं मिल रहा है जो चाहते थे, तो वो करना पड़ेगा जिससे सब कुछ मिल सकता है। और जब हमने शुरुआत की थी हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ हमारी आंखों का विश्वास था, वेस्टीज का पिछले 11 सालों का तजुर्बा था, उनका इतिहास था, उनकी स्टोरी थी। लेकिन आज तो हमारे पास सक्सेस स्टोरी, हमारे पास कहानियां हैं, हम थके हैं, हमारे पास कितनी सारी कहानियां, जितने सारे लोग आप ये वीडियो आप देख रहे हो तो सारी कहानियां हमारे पास हैं। अब क्या बचा है? आपका अगर पुण्य का उदय होगा तो हमारी बात समझ में आएगी, वरना जैसी गति होनी होगी वैसी मति चलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आप हिंदुस्तान में अगर किसी भी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, दो टांग वाली, छः टांग वाली, 15 टांग वाली, किसी भी कंपनी में है, किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट में है आप, राइट, और पर्टिकुलरली बोलूँ एम्बे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, हर्बल लाइफ, जितनी भी कंपनीज में हैं आप, आपसे सिर्फ इतना सा सवाल है, आप अपने आप से एक सवाल करिएगा कि अगर आपको 2 साल 4 साल 5 साल उस कंपनी में हो गए हैं, राइट, और उसके बावजूद भी अगर आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये नहीं आ रहा है, तो आपको ये एनालिसिस करने का टाइम है, राइट। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, आपके पास टाइम बहुत कम है, पूरी जिंदगी, राइट, वेट करने में ना निकाल लो, अदरवाइज ना, कहते ना ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बस एक सही कंपनी को सही सिस्टम के साथ में और सही मेंटरशिप, सही लीडरशिप के साथ में अगर आप स्टार्ट करेंगे, आई एम टेलिंग यू, पूरी विनिंग टीम तैयार है हर उस पर्सन के सपने पूरे करने के लिए जो इस इंडस्ट्री में आया है और बड़ा कुछ करने वाला है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की परिभाषा बदलने वाले हैं, और विनिंग टीम का तो मिशन है, कोई भी पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर वो ड्रीमर है, सीरियस है इस इंडस्ट्री को लेके, तो पूरी विनिंग टीम और ये लीडरशिप तैयार है मिलके आपके सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।